हेलो, मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? मुझे थोड़ा सा, मैं बहुत बिजी थी, बहुत क्या, मन थोड़ा सा बिजी थी। एक दो आदमी आ गए थे हमारे यहाँ, तो मैं आज बहुत बिजी थी। मैं सोची कि आज क्या करूँ क्या करूँ, तो कुछ बन नहीं पाता है। वीडियो तो ऑलरेडी कभी बन नहीं पाता है, कोई आता है तो उसी में लगे बजे रहो कि मैंने क्या दे क्या नहीं दे। तो मैं सोची कि अब आप लोग से वो क्या दिखाना है ऐसे करके, और अच्छा भी नहीं लगता है। अभी मैं उतना फेमस नहीं हूँ ना, तो वो थोड़ा सा छुपा कर रखती हूँ अपना, क्योंकि नहीं अभी ये करती हूँ। तो वही आज पूरा दिन मेरा निकल गया था उसी में। तो मैं सोची कि आज कैसी वीडियो बनाऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ, तो बहुत सोची वोची। तो फिर मैं बोली कि अच्छा चलती हूँ एक नया, एक लाजवाब और बहुत टेस्टी डिश, कम टाइम और बहुत मैंने टेस्टी बनता है तो आज मैंने बहुत टेस्टी और लाजवाब मैंने बनाया है टमाटर की चटनी, और इतना टेस्टी हुआ है आज, इतना टेस्टी और इतना अच्छा लगेगा जो कि बाजार का भी। आप लोग जैसे टमाटर की चटनी, जैसे कि मैंने वो हम लोग लाते हैं टोमेटो सॉस, वैसे भी उससे भी टेस्टी लगता है ये वाला। तो मैंने वो आपका रेसिपी आज मैंने इसमें दी हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे यहाँ तो मेरे बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं और मेरे को भी अच्छा लगता है। आप सादा पूरी से खाओ या पराठा से खाओ या किसी चीज़ से आप खाओ, जैसे कि आलू पराठा हुआ, मेथी पराठा हुआ, चाहे गोभी पराठा है, तो सीजन नहीं चल रहा है, हमेशा वही बन रहा है आजकल। एक दो दिन के बाद उसको बना ही डालते हैं, जैसे कि कोई भी है, जैसे कि पराठा हुआ, जैसे मेथी गोभी या आलू पराठा हुआ, चाहे जो भी आप बनाना चाहते हो उसको आप बना सकते हो, और उसके साथ खाओ तो इतना अच्छा लगता है ना कि क्या बताओ। अगर आप दही दही अगर ले रहे हो तो अच्छा लगता है, दही के साथ तो सारा मैंने पराठा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मीठा कुछ लेना चाहते हो, जैसे दही में हम लोग शक्कर डालते हैं तो वो और टेस्टी बना देता है पराठा लोग का, तो उसी तरह ये ना मैं टोमेटो चटनी जो बनाई हूँ ना, उसके साथ भी खाओगे ना तो उससे भी अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा लगता है, तो मैंने दही नहीं देती हूँ, मैं उसी को बना के फ्रिज में थोड़ा सा स्टोर करके रख दी हूँ कि जैसे कि आज एक दो दिन के लिए तो उसको खा ही लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए एक दो दिन उसको ले लेके आराम से खा लेते हैं। तो फिर चलते हैं, मेरा रेसिपी देखिए और फॉलो करिए आप लोग। हेलो गाइस, ये देखिए मैं मीठी चटनी टमाटर की बना रही हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ, इसको पूरा चटकने देंगे, और उसके बाद से इसमें ये लाल मिर्च है जो कि मैं लाल मिर्च से ही इसमें तड़का लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरा है ये तड़का हो गया है रेडी। देखिए मैं टमाटर कट करके रखी हूँ, तो ये है घर का एकदम टोमेटो मीठी चटनी बनाने वाली हूँ टमाटर की। तो बहुत अच्छा इसका मैं अभी आपको दिखा रही हूँ बना के मैं कैसे बनाती हूँ, और ये किसी के साथ भी आप खा सकते हो, जैसे कि आलू पराठा के साथ, चाहे वो मेथी पराठा के साथ, चाहे वो गोभी कुछ भी किसी पराठा के साथ, या आप नहीं खा सकते हो तो सादा पराठा के साथ ही आप बना के खा सकते हो। ये देखिए गाइस ये कैसे पानी छोड़ रहा है, बहुत सारा पानी ये छोड़ देगा ना, जैसे कि गल रहा है ये, तो अभी ये आधा पूरा गल जाएगा ना, पूरा नहीं आधा, जैसे कि इसमें का कलर और थोड़ा सा मैंने बदल जाएगा और डार्क रेड हो जाएगा। तो मैंने इसमें चीनी को ऐड करूँगी, शक्कर को, तो अभी इसको मैं ढक ढक के पकाऊंगी, बहुत टेस्टी होता है, तो किसी के साथ भी आप खाइए, बहुत मज़ेदार लगता है। और ये घर का है रेसिपी, तो बहुत और टेस्टी लगता है, लाजवाब। फ्रिज में भी आप स्टोर करके रख सकते हो, दो चार दिन आराम से खा सकते हो। और ये देखिए मेरा हो रहा है धीरे धीरे, देखिए मस्त। तो ये देखिए मैं इसको, अब बन गया है मेरा, अब मैं चल रही हूँ इसमें शक्कर को ऐड करने के लिए।
जैसे हम बाजार से उल नहीं लाते हैं टोमेटो केचप, उससे भी मेरे को अच्छा ये लगता है। अगर पूरी पराठा से आपको खाना है तो इतना लाजवाब। तो ये देखिए मैं तौल के नाप के नहीं डाल रही हूँ, मैं अपने अपने हाथों के तौल से ही नाप रही हूँ। ये टेस्ट के अनुसार ही मैं इसको डालूँगी, मेरे को पता चल जाएगा कि ये कितना मेरे को डालना है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। ये देखिए वाह कैसे कलर इसका चेंज हुआ ना। आई इसको अभी थोड़े देर में और थोड़े से पकाऊंगी, जैसे कि चीनी इसमें थोड़ा सा और ये हो जाए, पूरा मैश हो जाए और मिल जाए। ये देखिए गाइस ये मेरा हो गया है। अगर ना आप इसको और टाइम तक रखना चाहोगे ना तो इसको छान लोगे ना, छन्नी में डाल कर और पूरा छान लोगे तो एकदम प्योर हो जाएगा टोमेटो केचप जैसे। और खाते रहिए और मस्ती करते रहिए। तो मैं आज अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो थोड़ा सा ये आज मैंने बनाया कि कभी कभी पूड़ी पराठा के साथ ये हो जाता है तो मज़ा आ जाता है, मेरे को और अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हो गया है मेरा ये टोमेटो मीठी चटनी। वाह रेडी हो गया है पूरा। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अभी ये ठंडा होगा तब मैं फ्रिज में इसको रखूंगी, अभी जिसको खाना होगा वो खा सकता है गरम गरम। तो मैं आप लोग से उस रेसिपी को शेयर कर दी हूँ। अगर उसको ज़्यादा आपको बना के और स्टोर करना है तो उसको वैसे रखोगे तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें गुठली गुठली रहता है। हम लोग तो उसका प्यूरी बना के नहीं ये करते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो उसका मस्त मैं प्यूरी बना के भी आपको एकदम टोमेटो केचप जैसे मैं आपको वो भी रेसिपी दे दूँगी, लेकिन मैं वैसे नहीं बनाई, थोड़ा सा जल्दी में थी तो इसलिए थोड़ा सा ही मेरे को बनाना था, जैसे 2-4 दिन के लिए ना ये भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं उसको बनाई थी। तो अगर उसको भी अगर आपको कहीं जाना है, जैसे सफ़र उफर में भी हम भी जाते हैं तो थोड़ा सा मीठा मन करता है, तो उसको पैक करना है तो उसको छन्नी से उसको छान लोगे ना तो इतना अच्छा उसमें से गिरे जो उसका जो प्यूरी रहेगा ना तो इतना अच्छा रहेगा, कहीं भी ले जा सकते हो सफ़र में। जैसे कि हम लोग ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे हैं, चाहे कहीं आप घूमने जा रहे हो पिकनिक वगैरह, तो अगर आप वहाँ भी लेकर जाओगे ना तो उसको सब लोग खाएंगे तो उसको टेस्टी ही कहेंगे, क्योंकि वो मीठा चटनी घर का रहता है जैसे कि बहुत टेस्टी लगता है। और तो मैं और लोग को तो नहीं जानती, लेकिन हम लोग के यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग को पसंद है, तो इसलिए मैं आज उसको शेयर की हूँ। उसमें कोई ये नहीं है, मेहनत का काम नहीं है, बिल्कुल एकदम इजली और टेस्टी लाजवाब रेसिपी है, जो कि एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, और 1-2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो अगर ज़्यादा आप बना लिए हो तो। ये नहीं कि आज बनाए तो उसको पूरा ख़त्म ही करना है या फेंक देना है, ऐसे कभी मत करिएगा, और आप उसको स्टोर करके रख दीजिएगा और गर्म करके ही खाइएगा, ऐसे बिल्कुल ठंडा में मत खाइएगा क्योंकि उतना टेस्टी नहीं लगता है। हल्का सा उसको गर्म करिए और ले कर पराठा से खाइए, क्या बताएं बहुत अच्छा। और इसी वीडियो के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो को एंड, और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ बाय बाय।